परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जीवमी व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहे सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं त्व
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाप्तो हिततो हि सर्व सभेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ चौथा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इमां देवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययां देवस्वान्मनवे प्राह मनोरेक्षकवे ब्रवीत् एवं परम् प्राप्त मीमां राजर्षयो विदु अकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायो मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन।
भक्तो सुवेश खाति रहस्यं भेतदुत्तमं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यथितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतनामीश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रियाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभज क्रोध मान्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामध्वावमागता। वीतरागभज क्रोध मान्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामध्वावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे
ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/10/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद सुजानगढ़ में हुआ। राम चीज मिलती है वो बिछड़ने वाली होती है, एक नियम है। ये शरीर मिला है तो बिछड़ेगा, आप हम सब मिले हैं तो वियोग होगा, यहाँ संपत्ति मिली है तो उसका वियोग होगा, कुटुंब मिला है तो उसका वियोग होगा, मिली हुई चीज कैसी हो उसका वियोग होगा ही। तो उस वियोग को पहले ही मान ले, स्वीकार कर ले कि सब वियोग तो होगा ही, तो दुख नहीं होता। जैसे गृहस्थों के कन्या पैदा होती है तो उसमें भाव होता है कि ये घर पर तो नहीं रहती, तो अपने घर जाएगी। तो बहन भाई लड़ते हैं ना तो माँ कहती है भाई भाई से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी, हम जाने वाले हैं। तो उसके मरने का भी दुख इतना नहीं होता जितना लड़के को मरने का होता है, ठीक है। पहले ज्ञान होगा कि तो घर में ही रहेगी, जाएगी। ऐसे अगर इस सिद्धांत को आप मान लें, पितर से स्वीकार कर लें कि भाई संयोग का तो वियोग होगा, पहले किसी का पता नहीं है, कौन पहले मरेगा कौन पीछे मरेगा इसका तो पता नहीं है, पर वियोग होगा इसका पता तो पक्का पता है, क्यों संयोग हुआ है मिलन हुआ है तो वियोग होगा, ये पक्की बात है। तो पहले से इस बात को स्वीकार कर ले तो मिलने वालों के साथ मोह नहीं होता, मिलने वालों के साथ एक बात करनी है, जैसे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उसका आदर विशेष करते हैं, घर वालों की अपेक्षा उसका ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि ये तो कभी से ही आते हैं और फिर मिले चल जाएंगे। लेने की इच्छा रखने से दुख होता है, देने की इच्छा से दुख नहीं होता। जैसे प्याऊ पर कोई आया पानी पिला दे वो चला गया तो दुख होता है, पर पानी के लिए आवे वहाँ पर पिएंगे वहाँ प्याऊ नहीं मिले दुख होता है ना। तो लेने की इच्छा में न मिलने से दुख होता है, देने की इच्छा से देंगे तो नहीं देंगे दुख सही होगा। ऐसे संसार के साथ संबंध देने के लिए रखो, क्यों सदा तो रहेगा नहीं संबंध ही, तो देने के लिए संबंध है हमारा, उनको सुख पहुंचाने के लिए संबंध है, उनको आदर देने के लिए संबंध है, उनकी प्रशंसा करो आदर करो सुख दो सुविधा दो, ये देने के लिए है, मेहमान है सदा थोड़ी रहते हैं, उनको सुख देने में आराम है, तो ये देना चाहिए। लेने की इच्छा रखो तो दुख होगा, जवान आदमी मर जाता तो उसका दुख होता है, क्योंकि उसे सुख की आशा थी कि कहीं तो रहेगा सुख देगा, और आशा मिट जाए तो फिर दुख नहीं होगा, आशा ही परम दुख, दुख का कारण आशा है, उसको उस आशा लगा लेते हैं इस बार दुख होता है, अगर आशा न लगावे सुख ही सुख देना ही देना हो तो क्या है उसमें।
प्याऊ पर ज्यादा आदमी चले जाए सब जगह से रोना होता है या प्याऊ है तो वो जाने के लिए है सबको पानी पड़ा लेंगे चलेगा तो चलेगी भाई रोना किस बात का है। तो सबके साथ संबंध रखो सेवा करने का लेने का नहीं। लेने के संबंध से दुख होता है वो कम देगा तो दुख नहीं देगा तो दुख होगा फिर मर जाएगा तो दुख होगा तो अपने मर जाएगी तो रहे चल रहा था संबंध भर सुखी है। तो संसार से लेने की इच्छा नहीं करनी संसार की सेवा करने की इच्छा करनी सबकी सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना है सबका आदर करना है सबका हित करना है सबकी प्रशंसा करना है अपने लेना नहीं मास ही अपने देना ही देना है। तो अपने तो संयोग का वियोग होगा तो इनका वियोग हो जाएगा पहले से ही इस बात को धारण कर ले कि जो मिला है उसका वियोग होगा। कोई नई बात क्या हुई मैं तो पहले ही जानते थे सूर्य उदय होता है तो अस्त होगा भाई ये तो पहले से ही पता है तो फिर दुख नहीं होगा सबका बचा ठीक तो संयोग का वियोग होगा तो सुख पहुंचाना है ये प्रश्न ले लेंगे वैसे सबको सुख देना है नियम ले लिया अपने सबको छोटा हो बड़ा हो किसी को हो थोड़ा ज्यादा जैसे अपनी शक्ति के अनुसार वो भी ज्यादा देना नहीं शक्ति के अनुसार कपट देना है सेवा करना है तो एक ये बस ले रहे नियम ले रहे वियोग होगा तो सेवा करना हमारे काम है। वियोग होगा एक बात और सेवा करना दो बात और उसने कुछ चाहना नहीं तीन बात ये तीन व्रत ले लो नियम ले तो दुख मिट जाएगा। अपने इकट्ठे दुख मिटाने के लिए हुए अभी तो यहाँ सुनते हैं तो दुख मिटाने के लिए आए जिन पे फसल यहाँ मिलता नहीं भोजन यहाँ मिलता नहीं कपड़ा मिलता नहीं कोई मतलब बहुत सिद्ध होता नहीं यहाँ कुछ बातें ऐसी मिलती है जिससे दुख मिट जाए ऐसी युक्तियां मिलती है तो इन बातों को खूब धारण करना धनी बन जाओ इन बातों की धनवान दुख नहीं होगा। तो मूल बात है कि जो संयोग हुआ है मिलन होता है उसका वियोग अवश्य होगा ही नियम है ये बात सबसे पहले सोच के समझने की शरीर मिला है तो ये वियोग होगा। अब मरने का दुख क्या है दुख करो दुख करो मेरे सुख करो तो मरेगा कुछ भी कर है ये तो वियोग होगा ही पहले से याद रखे ये तो वियोग होगा ये तो जाने वाला है। उगे सो ही हाथ में फूले सो कुमलाए चिड़िया देवल पड़े जाया सो मर जाए सेव का पियो जरूर होता उगे सो ही हाथ में फूले सो कुमलाए चिड़िया देवल पड़े जाया सो मर जाए से पियो को सूर्य उदय हुआ है अस्त होगा तो अस्त होने पर रोते नहीं आदमी काम तो सब ठप हो जाते दिन में जैसा काम होगा रात में जैसा काम नहीं होता पर न होने पर भी रोते नहीं तो उगे से तो आज हो तो अस्त हो गए पर पक्की रुची हुई है तो बाजार लगने पर भी दुख नहीं होता ऐसे उगे सो या सो पूजा सो कुम जाए सीनिया देवल जाया सो मर जाए संयोगा वियोगा अंत जितने संयोग है मिलते हैं इनका अंत वियोग होगा मिले हैं तो वियोग होगा इस बात वियोग दुख क्या बात है तो होगा भाई होगा संयोग है तब तक सेवा कर लो ले लो नहीं दे दो लेने के लिए तो उसे दुख होगा और लेने की इच्छा से ही उपयोग का दुख होता है लेने की इच्छा से उपयोग का दुख नहीं होगा लेने की इच्छा उपयोग का दुख नहीं होगा।
तो ये दुख मिटाने की खास चीज है अस्थि। दुख से घबराते हैं लोग, सुख के लिए धन इकट्ठा करते हैं, पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं, कई तरह करते हैं, वो सुख का साधन नहीं है, बैन है। क्यों धन को छोड़कर मरना पड़ेगा, असर जीते जी धन चला जाएगा, इस बात पक्की है। तो सुख का साधन धन नहीं है, सुख का साधन उसे सुख रहने की इच्छा है, इसको त्याग करो, गैर आनंद रहो, मौज में रहो, कोई दुख नहीं, संताप संसार बने की विद्या है असली, सबको सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सदावत दे रहे हैं, जल पा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सदावत दे दी है, दे 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 रहे हैं, चलेंगे चलेंगे, क्या दुख। आप रहते हैं कोई भिक्षुक आवे मांगने के लिए, रोटी दे दी, अब चल जाए तो दुख होगा, क्या आपस मिट्टी हो क्या है, रहने की इच्छा होती है ना, ये रहने की इच्छा बहुत भयंकर दुख देने वाली है चीज। इस वास्ते संसार से क्या भगवान से भी नहीं लेना बढ़िया है, बस ले लो तो कोई बात, भगवान तो सदा की माँ है, माँ से मांग लेते, मांगना नहीं कर रहा था वो, दुनिया से क्यों मांगे, अपनी माँ से मांगे, तो भगवान सदा की माँ है, पर उसे भी मांगे नहीं तो अच्छा। हमने एक बात सुनी बड़ी सुंदर लगी, चार लड़के हैं, एक दिन पिता गए बाजार में तो आम आए थे, पहले पहले आम आए, आज तो आम आए है, कैसे आम आए, तो चार आम खरीद ली जो बच्चों को देंगे, नई चीज आई है, पहले पहले आई है, चार आम खरीद ली, लड़के खेल रहे थे आंगन में, वो आम लेकर आए, तो आ गए तो एक जल का चोरा आम देखा, तुम्हें आम दो आम दो, पीछे पड़ गया, उसको आम दे दिया, एक है जो मांगता नहीं, आम देखा उसको दिया तो रोने लग गया, उसको भी आम देखा, एक है जो ना तो मांगा ना रो, देखे आम के सब देखे एकदम छुट्टी, और एक खेलता रहा अपना मोजे खेल, देखता ही नहीं, तो देखे उसको भी दे दिया, फिर खेलता उसको जला देते, चारों को आम मिल गया, तो चारों के भाव में अंतर है, एक तो किसी के भाव में आम दो आम दो आम दो, तो वो अर्थार्थी भगत, चार भक्तों से भगवान के हमारे धन दो, हमारे लिए दो, हमारे चीजें दो, वो अर्थात से भक्तों से, और रो पड़ा वो आर्थ भक्तों से, और देखता है वो जिज्ञासु भक्तों से, और जो खेल रहा था वो ज्ञानी भक्तों से, चार सही भक्तों से, अरे अज्ञानी भक्त है वो, चार तरह के भक्त होते हैं, एक आर्थ भक्त होता है, एक अर्थार्थी होता है, एक आर्थ होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक ज्ञानी होता है, तो आर्थ भक्त तो वो अर्थार्थी भक्त तो मांगता है, मेरे उधर मेरे सोचिए मेरा ये मेरा ये मेरे मांगता है, तो वो अर्थार्थी भक्त है, और रोने लगता है वो है आर्थ भगत, दुखी हो जाता है, आम मिल जाते वो अर्थार्थी, अर्थार्थी आर्थ, अरे देखता है वो जिज्ञासु है, अरे खेलता है मस्ती से, तो आम तो चारों को मिलेगा, पर इज्जत में फर्क है, एक तो तंग करता है, आम दो आम दो, एक रो पड़ता है, एक देखता है,
तो जो मांगता है वो अर्थार्थ, रोता है वो अर्थ, और देखता है वो जिज्ञासु, और खेलता है वो ज्ञानी। तो आम तो चारों को ही मिलेगा ही, आप मांगते रहो तो चीज उतनी मिलेगी, न मांगो तो उतनी मिलेगी। ये रस्म नहीं है, नाम जो हमारी चीज है वो तो हमें मिलेगी ही, हमारी रोटी भी मिलेगी, हमारा कपड़ा भी मिलेगा, हमारे मकान भी मिलेगा, मिलने वाला मिलेगा ही। तो अपने पीछे पड़ो मेरे दो दो क्यों तंग करें उनको, क्यों इज्जत खोवे अपनी, उनको तो करें तंग करे अपनी इज्जत जाए, तो उनको तंग भी नहीं करे अपनी इज्जत भी ना खोवे, बस खेलते रहे मौज से। या रोने लग गया तो उसको मिला तो क्यों रो रहे, क्यों तो उनको तंग करे, क्यों रो अरे क्यों देखे भाई मिल जाए मिल जाए, अपने खेलते रहो अपनी इज्जत करो, ना तो तंग कर सके किसी को, ना अपनी बेइज्जत कर सी कर सके। मेरा चारा कोई क्या पीछे पड़ गया उसको चारा मिलेगा, वो तो चारों को हमारा चारों को देंगे, ऐसे भगवान सबको देते जितने ऐसे सबको देते है भगवान। तो अपनी अपनी इज्जत अलग अलग है, तो वो खेलने वाली इज्जत अच्छी लगी मत मस्ती खेलता है अपने भगवान साल आप संतुष्ट हो गंगा सीतों की मसर समय से धाव से कृपा भी नीते थे साल आप संतुष्ट जो मिल जाए उस मस्त ठीक है महाराज जाए बिन रखे राम ताय बिन रहिए कि सीताराम 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 करिए अपने खेलता रहे सीताराम जी करता रहे सब जी जाना उद्यान पड़ेगा ही हमारी चीज कैसे भगवान कैसे करेंगे। चारों के लिए लाए पिताजी तो चारों के लिए शाम मिल गई, फिर अपनी फजीती क्यों करा तो मैं तो मन खेलते रहे मौज से। तो संसार का दुख कब मिटता है कि ये लेने की इच्छा न रखे, तो इच्छा न रखने से सुख पूर्व मिलता है, इच्छा से दुख पूर्व मिलता है। काम करो सेवा करो ये हो, सेवा करने में सब लग जाए तो लड़े कोई भरवा नहीं, सेवा ले लो बस सुख ले लो आराम ले लो। तो सबकी सेवा करनी पड़ी, इच्छा अपनी नहीं पड़ी, आशा ही परमम दुख नहीं रहस्य परमम सुख, आशा रखनी भीतर में मिल जाए मिल जाए, ये इच्छा है। तो ये तीनों को दूसरी इच्छा है, वो मांगता है उसी विधि की इच्छा है, और रोता है उसी विधि की इच्छा है, देखता है उसी विधि की इच्छा है, और खेलता है उसी चाहिए। तो मिलता चारों को है, फर्क इज्जत का है, तो अपने फर्जी से नहीं कराने, ना तंग करना है ना फर्जी से करानी, मस्ती से अपना हाल में काम करता रहे, खेलते चलने चाहिए अपना काम करे, ठीक खेल रहे अपना काम कर रहे हैं आनंद से। हमारी चीज तो मिलेगी कि नहीं, वो तो मिलेगी मिलने वाली चीज तो मिलेगी, हमारे पास ही की चीज है। चार आम लाए तो चारों बच्चों के लिए लाए थे ना, आम है बढ़िया चीज है बच्चों को दे दे चलो, तो है तो हमारी ही, हमारे को मिलेगी, फिर हमारी फजी थी क्यों करे। ऐसे संसार में रहो तो जो मिली है वो अपने जितने मिल जाए पसंद है, संतोष त्रिशूल से भी है, स्वराज है भोजन धने भोजन मिल जाए, स्त्री पुत्र मिल जाए, घर मिल जाए, उसे संतोष रहो, काम करो अच्छी तरह से, काम करने मिल जाए भोजन मिल जाए। ये भी कब तक होता है काम करने के लिए, जब छोटे बच्चे थे काम करने लायक नहीं थे, उसे भी रोटी कपड़ा मिलता था कि नहीं, खाने को पहनने को रहने को मिलती थी, तो काम करने लायक नहीं थे तो मुफ्त में मिलती थी। अब काम करो तो काम करने पर मिल जाए, तो न करने लायक हो तो मिल जाएगा, करने लायक हो तो काम कर दो भाई,
कर्णधार कौन पूरी करते है, फिर बूढ़े हो जाए काम करने लगे नहीं रहे तो ही मिलेगा भगवान से भी तो मिलेगा, बच्चों को मिल जाएगा, जवान को सबको मिलता है, मांगे उसको मिलता है, मांगे उसको मिलता है, तो काम धंधा तो करना इच्छा नहीं आशा नहीं लगनी, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म नहीं वाला अधिकार है, फिर महाफल कर्तव्य कर्म करना चाहेगा अधिकार है, फल में नहीं, फल सकते निबंधे फल में आसक्त होता है बंद सा है, कैसी बढ़िया बात है, फल में आसक्त ही नहीं, अपना काम ठीक करे, सेवा करे, उत्साह से करे, प्रसन्नता से करे, आदर से करे, ठीक तरह से सब कैसे सुख खुशी हो जाए, आराम ऐसे चाहना कोई है ही नहीं, लेना कुछ है ही नहीं, सेवा करना। हम गोरखपुर में थे, वहाँ एक आ रहे थे सज्जन, गीता सुनाते दुकान पर चले जाते, वो गीता सुनाते सब गीता पूरी कंठ सुनाते रहे, वहाँ दूसरी दुकान पर चले गए, कुछ आदमी उठने लगे थे, वो चल दिया तो दूसरे के पास जाओ बैठ गए, एक एक दुकान बैठ गए और कोई मतलब नहीं, वो सुनना चाहे तो सुना दे, वो ना कहे तो सत्य वहां से गीता सुना से, दुकान दुकान पर सुना से आदमी गए को सुना से, कोई और कुछ नहीं, कोई मांगना और देना कुछ नहीं, गीता सुना पार्थना देना है भाई, सबको दे दिया प्रसाद, देने वाले दे दे प्रसाद, दे ठाकुर जी का प्रसाद दे दिया, सब दिया देना कुछ यही दे, ऐसा काम करना सेवा करना, और जो है वो रहेगी नहीं पास में, रहेगी नहीं ये मूल बात है, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं क्योंकि वो सब रहेगी तो नहीं, दे दिया दे दिया दे दिया काम, नारायण 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 मौजूद।